क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 सुपर 8 की लड़ाई बहुत रोमांचक हो गई है। हर दिन हर मुकाबले के साथ तस्वीर बदल रही है, पॉइंट टेबल की जंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जिस ग्रुप में टीम इंडिया है यानी ग्रुप ए में, उसमें टीम इंडिया और अमेरिका दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतीय टीम A1 है और अमेरिका की टीम A2 है। लेकिन बाकी जो ग्रुप हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन ग्रुप्स में बहुत दिलचस्प लड़ाई हो गई है। सुपर 8 की अगर बात करें तो अफगानिस्तान का क्वालिफिकेशन लगभग तय है और ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर चुका है सुपर 8 के लिए। तो बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम सुपर 8 में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों से भिड़ेगी। 20 जून को भारतीय टीम का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा और फिर 24 जून को टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सुपर 8 में मुकाबला खेलेगी। हाँ, 22 जून को जो भारतीय टीम का मैच होगा वो किससे होगा? क्या भारतीय टीम बांग्लादेश से भिड़ेगी या नीदरलैंड से भिड़ेगी? ये सवाल है, क्योंकि बांग्लादेश और नीदरलैंड, इन दो टीमों में से कोई एक टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीकी टीम उस ग्रुप से ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। अब बांग्लादेश पर नजरें टिकी हुई हैं। अगर बांग्लादेश अपना आखिरी मैच जीत जाता है तब तो बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं अगर नीदरलैंड की टीम जीत जाती है और उसका नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर रहता है तो बांग्लादेशी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी और फिर नीदरलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। तो नीदरलैंड की भिड़ंत भारत से सुपर 8 में होगी और वो मैच होगा 22 जून को। अगर नीदरलैंड बाहर हो जाता है तो बांग्लादेश से टीम इंडिया सुपर 8 में भिड़ेगी। तो सुपर 8 का सिनारियो साफ है टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव में। 20 जून को इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान, 22 जून को इंडिया वर्सेज बांग्लादेश या नीदरलैंड और 24 जून को इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, ये तीन मुकाबले होंगे। और तीन मैच में से अगर दो मैच टीम इंडिया जीत जाती है या तीनों जीत जाती है तो सेमीफाइनल्स के लिए भारतीय टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो सुपर 8 का सिनारियो बहुत ही साफ हो गया है भारत के पर्सपेक्टिव में। वहीं साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर चुका है, अफगानिस्तान भी क्वालिफाई कर चुका है सुपर 8 के लिए, ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर चुकी है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी धुरंधर टीमें बाहर हो चुकी हैं। हालांकि इंग्लैंड को अभी बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि इंग्लैंड का एक मैच बचा हुआ है और अगर इंग्लैंड की टीम अच्छे मार्जिन से विरोधी टीम को हरा देती है तो इंग्लैंड की टीम स्कॉटलैंड को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड का अभी एक मैच होना है। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया जरूर अपना दबदबा दिखाएगी और स्कॉटलैंड को हरा देगी, लेकिन अगर स्कॉटलैंड का नेट रन रेट बेहतर रहा और इंग्लैंड उतने मार्जिन से मैच नहीं जीत पाया जिस मार्जिन से उसे जीतना चाहिए, जिस मार्जिन के आधार पर उसका स्कॉटलैंड से रन रेट बेहतर हो, तो इंग्लैंड बाहर हो जाएगा और फिर स्कॉटलैंड पहुंच जाएगा सुपर 8 के लिए। यह भी एक करिश्मा होगा स्कॉटलैंड के लिए, चमत्कार की तरह होगा कि वो सुपर 8 के लिए मौजूदा चैंपियन को, डिफेंडिंग चैंपियन को पीछे छोड़ करके स्कॉटलैंड सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन इंग्लैंड अभी भी रेस में बना हुआ है। आखिरी मैच अगर इंग्लैंड अच्छे मार्जिन से जीत जाता है तो इंग्लैंड की टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकती है। ये है सुपर 8 और टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट टेबल का ताजा हाल।